Hello friends, today we will start with AS7, that is construction contracts, right? So basically this accounting standard tells us how to do accounting for construction contracts. Now sir, problem kya hai? Say for example I am engaged in trading business. तो ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, मैं गुड्स खरीदता हूं और मैं उसको बेच देता हूं, तो उसका अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल. व्हेन आई परचेज गुड्स आई पास परचेज एंट्री, व्हेन आई सेल गुड्स आई पास सेल एंट्री, एंड बोथ बीइंग नॉमिनल अकाउंट्स इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आई गेट माई प्रॉफिट. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आप कोई चीज बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यू आर डूइंग कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग. यूजुअली क्या होता है, आप मैंने आज मैन्युफैक्चर किया कल बेच दिया तो भी अकाउंटिंग सिंपल हो जाएगा. बट यहां पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ सब, से फॉर एग्जांपल हमको कोई बिल्डिंग बनाना है तो दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गेट कंप्लीटेड, से 3 to 4 years, राइट? तो 3 से 4 साल अगर कोई प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा, उसके बाद अगर मैं बेचूंगा तो प्रॉफिट उसके बाद होगा मेरे को, तो व्हेन विल आई रिकॉर्ड रेवेन्यू, मेरे को प्रॉफिट कब दिखाना चाहिए. प्रैक्टिकली अगर मैं सोगा के हिसाब से जाऊं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स होगा आफ्टर 3 to 4 years, तब मेरे को सेल दिखाना चाहिए, देन आई विल रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट. बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, सिंस ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व, सब्सटेंशियल टाइम इज इन्वॉल्व, क्या होता है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है वैसे वैसे हमको पार्टी से एडवांस मिलता है. यहां पे दो पार्टी होते हैं, एक होते कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है, एक कॉन्ट्रैक्टी जिसके लिए काम कर रहा है. तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, सपोज मान लो 20% काम कंप्लीट हो गया है, 10 तल्ले का बिल्डिंग था, 2 तल्ला मैंने खड़ा कर दिया, तो 20% ऑफ द वर्क हैज बीन डन, तो 20% ऑफ द टोटल प्राइस उसको एडवांस में मिल जाता है. तो इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या था, दैट कंस्ट्रक्शन इज टेकिंग अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, सब्सटेंशियल अमाउंट इज इन्वॉल्व. तो अपने यूजुअली अगर मैं सोगा के हिसाब से जाऊं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स होगा आफ्टर 3 to 4 years, तो आई शुड रिकॉर्ड सेल्स आफ्टर 3 to 4 years, तो प्रॉफिट भी मेरे को 4 साल बाद दिखाना चाहिए. बट प्रॉफिट अगर आप कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट 4 साल बाद दिखाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन्वेस्टर्स. तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड लाया गया जहां पे बोला जाता है, इस स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ, बोला कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मॉडल क्या है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मॉडल है जैसे जैसे वो लोग काम कंप्लीट करता है, दे टेक एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी. तो बोला फाइन इनफ, तो बोला आप एक काम करिए, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन दिस ईयर आप अपना प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर लीजिए, मतलब ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, इज दैट फाइन. मैंने आपसे फीस पूरा 6 महीने का एक बार में ले लिया, से फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का मैंने आपसे 3,000 रुपया लिया, तो क्या करना चाहिए, मेरे को 3,000 रुपया आज ही खर्चा कर देना चाहिए क्या? नहीं. तो मैं क्या करूंगा, उसमें से 500 रुपए इस महीने के लिए निकालूंगा, बाकी 2,500 मेरे लिए प्री रिसीव्ड हो गया. फिर अगले महीने फिर मैं 500 निकालूंगा, मेरे लिए 2,000 प्री रिसीव्ड हो गया. फिर अगले महीने फिर मैं 500 ने, तो यहां पे भी प्रोपोर्शनेट मेथड के बेसिस पे अपने को प्रॉफिट हर साल दिखाना चाहिए. तो वही हम लोग इस एएस में सीखेंगे. इज दैट फाइन एवरीवन? हाँ. सो दिस पर्टिकुलर एएस डील्स विथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जनरली टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गेट कंप्लीटेड. So we have to show profit. So we can show profit when? After 3 to 4 years. Now it is very difficult to postpone the recognition of income for 3 to 4 years because we will not be able to get some investors. And bina investor ke koi bhi business start nahi ho sakta. To construction industry ka model kya hai? Construction industry mein kaam kaise hota hai? Jaise jaise kaam khatam hota jayega, bhaiya advance dete jaiye. To now I can show profit on a yearly basis, on a proportionate basis. कि भैया चलो 20% काम कंप्लीट हो गया, उसमें इतना एडवांस आ गया, तो इतना प्रॉफिट आप दिखा दीजिए. तो उसी का ट्रीटमेंट हम लोग इस पर्टिकुलर एएस में सीखेंगे. तो वो ट्रीटमेंट सीखने के पहले व्हाट आर वी गोइंग टू डू, देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज जिसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा. वंस वी आर अवेयर ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकालना सीख सकते हैं. आइए, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बोलते किसको हैं,
सबसे पहला अग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, ठीक है, इट्स एन अग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड should be applied for accounting of construction contracts in the books of contractor। हम लोग किसका अकाउंटिंग सीखेंगे, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंटिंग सीखेंगे यहां पर। ठीक है, नाउ मैंने यहां पे आपको सिंपल डेफिनेशन दिया है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट्स एन अग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। राइट, मैं सब बताऊंगा आपको दैट आर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजाइन टेक्नोलॉजी, जो बोलना है बोलिए आप लोग को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट्स एन अग्रीमेंट स्पेसिफिकली डिजाइन्ड। सबसे पहला बात ध्यान रखिएगा, दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स By the contractor for contractee। तो इस स्टैंडर्ड में हम लोग किसका अकाउंटिंग सीखेंगे, इस स्टैंडर्ड में हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दो टाइप का होता है। आज कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के लिए काम करा तो फ्री में करेगा नहीं, तो जो सेलिंग प्राइस को यहां पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला जाता है। एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे
कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज फॉर अ फिक्स्ड प्राइस, बोलता है 5 करोड़ लगेगा, कीमत 5 करोड़, यहां पे कॉन्ट्रैक्टर इज रीइंबर्स्ड फॉर अलाउएबल और डिफाइंड कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ दीज कॉस्ट और अ फिक्स्ड फी। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कंसिडरेशन पार्ट। तो कंसिडरेशन यहां पे दो टाइप से फिक्स होता है, एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज फॉर अ फिक्स प्राइस, ये बिल्डिंग बना दूंगा 2 करोड़ लगेगा, इतना फ्लैट बना दूंगा 10 करोड़ लगेगा, जो भी कॉस्ट, जो गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, सब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जहां पे कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाता है भैया तुम्हारा जो खर्चा होगा प्लस 10%, तुम्हारा जो खर्चा होगा उसमें प्लस 10%, या तुम खर्चा करो वो दे देंगे और 10 लाख रुपए दे देंगे, दैट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और एक हो गया फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट फाइन? हाँ आइए, पॉइंट नंबर 4, बात कर रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का। एक होता है इनिशियल अमाउंट और एक आएगा, तो इनिशियल अमाउंट होता है एज अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अदर इनकम इज बेसिकली वेरिएशन इन वर्क। भैया प्लीज सुनो ना, ये ना हमको ये वाला मार्बल नहीं चाहिए, नीड इटालियन मार्बल। तो भैया फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा एक स्पेसिफिकेशन है, मैं आपको इस कंपनी का फिटिंग्स दूंगा, ये कंपनी का मार्बल्स दूंगा, राइट? अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करवाना है, कोई वेरिएशन कराना है, तो उसको आपको अलग से देना पड़ेगा। तो वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क, then we have claims, कुछ कुछ cost जब मैं estimate बनाता हूं तो कुछ कुछ खर्चा included नहीं रहता है, तो उसका आपको अलग से claim देना पड़ेगा। variation अलग चीज हो गया,
भैया आप अपना ये हटा दो उसमें ये डाल दो, तो क्या क्या डिफरेंस आएगा? और क्लेम अलग चीज हो गया, ये खर्चा मैंने पकड़ा ही नहीं था। इंसेंटिव, कई बार क्या होता है काम जल्दी कंप्लीट करने से कॉन्ट्रैक्टी मेरे को दे दिया, जल्दी पैसा दे दिया थोड़ा, राइट कुछ इंसेंटिव दे दिया। ये क्वालिटी का काम होना चाहिए था, मैंने इससे बेहतर काम कर दिया, लो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। एडिशनल अमाउंट इफ कॉन्ट्रैक्टर मेट्स स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का कंपोनेंट क्या, एक तो अपना इनिशियल अमाउंट हो गया, एक अपना अदर इनकम हो गया, अदर इनकम में वेरिएशन, क्लेम्स, इंसेंटिव। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। एलोकेटेड टू कॉस्ट, जैसे एक सुपरवाइजर है जो 4 कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान दे रहा है, वो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में अपना 30%, जैसे अपना कॉस्टिंग में ओवरहेड पड़ा है ना आपने, कॉस्ट एट्रिब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक चार्जेबल कॉस्ट, स्पेसिफिकली चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक होता है काम कर, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो काम है उसको करने में जो खर्चा लगा, सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, फिटिंग्स, राइट, कंस्ट्रक्शन वर्कर सैलरी, लिफ्ट, ये सब, एस्केलेटर। एलोकेटेड कॉस्ट मतलब आप लोग देखते होंगे कुछ कुछ चीज ऐसी रहती है जो कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ दिन तक रहता है फिर वापस चला जाता है, जैसे सीमेंट और स्टोन चिप मिक्सचर मशीन, राइट, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट, आजकल तो वो पोर्टेबल आ गया वैन में,
तो एक कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं रहता, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज नहीं होता। भैया 20 दिन यहाँ यूज हुआ, 20 दिन दूसरा साइट में यूज हुआ, कहीं और यूज हुआ, उस तरीके से तो कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। और स्पेसिफिक चार्जेबल कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स में लिखा है तो ये स्पेसिफिकली उसी कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज होगा। ठीक है, नोट। अनअलोकेबल जनरल एडमिन कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट R&D डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट, ये सब नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप मेरे को बताएंगे, सबसे पहला मटेरियल इश्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट, बोलो कौन सा कॉस्ट है ये? डायरेक्ट कॉस्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, मटेरियल्स फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, एक ही बात है। डायरेक्ट कॉस्ट आप डायरेक्टली खरीद के डालिए चाहे कहीं और से मंगवाइए, खर्चा तो खर्चा होता है। डिजाइनिंग एंड लेआउट कॉस्ट चार्जेस इन डिजाइन डिपार्टमेंट इनकर्ड एट हेड ऑफिस, तो ये आएगा एलोकेबल में, उसका शेयर आएगा क्योंकि डायरेक्टली इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चा नहीं है ना। ये है, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिकली करवाया है। कॉस्ट ऑफ लेबर एंगेज एट साइट
साइट का सुपरवाइजर सैलरी है, डायरेक्ट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, नॉट यूज्ड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, यही अगर सुपरवाइजर कॉमन होता, नॉट इंक्लूडेड, इज दैट फाइन? तो जस्ट मैंने आपको बताया है, तो अपने को खाली कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड खर्चा ही लेना है। इज दैट फाइन? तो मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फिर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर वन, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज। सिंपल है, हाँ है ना? लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो आ जाएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। नोट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज इज कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। अभी तक कितना खर्चा हुआ, टोटल कितना खर्चा होगा, हाया ना? एकदम सिंपल है, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनेट
कंप्लीशन मेथड। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। राइट मैंने अपना ब्रीफिंग जब किया था एएस सेवन का तब बता दिया था आपको। आइए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में आपको लिख भी दिया है कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया 75 लाख, मटेरियल 18 लाख का इश्यू किया है जिसमें से 3 लाख का अभी भी बचा हुआ है, तो ये इस साल यूज नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर यूज होगा, तो 15 लाख इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्ट कॉस्ट। लेबर पेड फॉर वर्कर्स एंगेज्ड इन साइट 12 लाख में 2 लाख अभी भी देना है, तो एज पर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करेंगे तो यह भी मेरा डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 6 लाख, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पार्ट ऑफ द वर्क हम किसी और से करा रहे तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस है। एडवांसेस पेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, तो सब कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया है 5 लाख का और उसको एडवांस दिया है 3 लाख रुपए का, ठीक है। आगे जाके कॉस्ट एस्टिमेट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, 30 लाख का और खर्चा करना है। तो सबसे पहले अपने को निकालना है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, दैट इज 75 लाख इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नोट नंबर वन, तो मेरा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। सिंपल है, हाँ या ना? तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। रुपीज इन लैक्स, ये नॉर्मल रुपीज में है, ठीक है। सबसे पहला है मटेरियल्स, 18 में 3 तो 15 लाख आएगा। अच्छा, लेबर पेड 12 तो आउटस्टैंडिंग अलग से होगा, स्पेसिफिक चार्जेबल कॉस्ट 6 लाख, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, पेमेंट कितना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एग्जीक्यूटेड से फर्क पड़ता है, तो ये आएगा मेरा
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इसको बोलते हैं कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, क्या बोलेंगे इसको अपने, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, अभी तक टोटल इतना खर्चा हुआ है, अठारह लाख में लिखा है, 3 लाख यूज नहीं हुआ तो 15 लाख यूज हुआ है, 12 लाख पेड प्लस 2 लाख आउटस्टैंडिंग, तो एज पर अक्रूअल बेसिस 14 लाख स्पेसिफिक को खर्चा माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में, और सब कॉन्ट्रैक्ट भी खर्चा है, तो हिसाब से देखा जाएगा तो अभी तक 29 40 लाख का खर्चा हो चुका है, प्लस क्वेश्चन में बोल दिया फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट दी कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा 40 लाख आ गया अभी तक का खर्चा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, अभी तक का टोटल एक्सपेंसेस विल बी कमिंग इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अच्छा अभी तक इतना खर्चा हो चुका है और आगे 30 लाख का खर्चा होने वाला है, तो मिलाएंगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, दिस इज फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड नेक्स्ट ईयर, राइट तो 40 लाख का खर्चा हुआ है, टोटल है 70 लाख का खर्चा, तो उस हिसाब से मेरा कितना परसेंटेज, फिफ्टी सेवन पॉइंट इतना प्रतिशत काम हो चुका है, या तो आप फिजिकली देख लीजिए कि कॉस्ट मत देखो, या तो आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल वर्क टू बी डन, या तो कॉस्ट इनकर्ड या टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, तो टोटल कॉस्ट में अपने क्या करना है, करेंट अभी तक इतना खर्चा हो चुका है और क्या होने वाला है, तो इतना प्रतिशत काम हो चुका है एज पर खर्चा को देखने से लग रहा है इतना परसेंट हो चुका है, तो उसी प्रपोर्शनेट में अपने रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड करेंगे, ये जो खर्चा है ये कितना परसेंट का है, 57.14% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट, तो रेवेन्यू भी 57.14% जितना लेंगे, 40 लाख 70 लाख टोटल, 40 हुआ प्लस 30 फर्दर, तो 70 लाख टोटल में 40, दैट इज कमिंग टू 57.14%, तो रेवेन्यू उतना परसेंट का लेंगे, यस और नो, तो 75 लाख इंटू 57.14% फोर टू 8550, तो 2,85,500, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बेटा वेट करो मैं बता रहा हूं,
ध्यान से देखिए, सबसे पहले मेरे को बताइए अभी तक का टोटल खर्चा कितना हुआ है? 40 लाख। आगे और 30 लाख होगा तो मिला के हो गया 70। जैसे मान लो आपके सिलेबस में 10 चैप्टर है, सर कितना परसेंट सिलेबस हो चुका है आपका? मैंने आपको 6 चैप्टर करवा दिया है तो 60%, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, सर ऐसा जरूरी नहीं है हर चैप्टर में आपका सेम नंबर ऑफ क्लासेस लगेगा। तो आपने हम लोगों को बताया था हफ्ते में 3 करके आप 7 महीना क्लास लेंगे, तीन क्लास इंटू 4 इंटू 7 आपने लेना है 84 क्लासेस, और अभी तक आपने लिया है 50 क्लासेस। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपने। अब ये 50 क्लासेस में 3 कंप्लीट हुआ है, 4 कंप्लीट, उससे लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है आप ये जो डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन, पहले देखिए काम कितना हुआ है तो कॉस्ट बेसिस पे डिटरमाइन हो रहा है। इज दैट फाइन? यानी ये जो 40 लाख है ये 57.14% का है, तो रेवेन्यू भी 57.14 का लेंगे, तो उस हिसाब से इस साल का प्रॉफिट आ रहा है 2,85,500। ठीक है, देख लीजिए। इज इट फाइन? आइए स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 2। रीड इट। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है,
1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मटेरियल इश्यूड 75, लेबर चार्जेस पेड, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट 10 लाख, अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दे दिया, मटेरियल इश्यूड में 4 लाख यूज नहीं हुआ है तो लेस हो जाएगा और लेबर पेड में आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, फर्दर 33.5 लाख फर्दर कॉस्ट है। प्रॉफिट लॉस निकालने बोला है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट राइट। 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालेंगे नोट नंबर 1 में। सबसे पहला मटेरियल इश्यूड है 75 लाख, राइट। अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 1 करोड़ 34 लाख।
इज दैट फाइन एवरीवन? तो सबसे पहले यहां पे अपने लिख देते 1,34,00,000। अभी डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज निकालेंगे, 1,34,00,000 80%। इज दैट फाइन एवरीवन? डन। एक करोड़ 20,00,000। लॉस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस तो निकालने बोले यार, एडिशनल प्रोविजन। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखता है। अगर आपको फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने वाला है, ओनली रिपोर्ट करेंट ईयर लॉस। अगर आपका फ्यूचर में अगर आपका फ्यूचर में एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो आप क्या करेंगे? ओनली रिपोर्ट करेंट ईयर लॉस टू पीएल। लेकिन अगर आपका फ्यूचर में एस्टिमेटेड लॉस है जो कि ज्यादा है करंट लॉस से, तब आप प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस विल ऑल्सो बी चार्ज टू पीएल अलोंग विथ
करंट ईयर लॉस। अगर आपका फ्यूचर में खाली प्रॉफिट होने वाला है, अभी लॉस हुआ है लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो आप खाली करंट लॉस को पीएल में डाल दीजिए। लेकिन अगर आपका फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तब आपको प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। एकदम क्लियर है? इज दैट फाइन? आइए, तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में देखिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस विल बी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। तो यहां पे है डेढ़ करोड़ माइनस 167, एस्टिमेटेड लॉस कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल प्रोविजन। टोटल लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना होने वाला है? 17,50,000 लेस रिकॉग्नाइज्ड एज करंट लॉस। 14,00,000 का मैंने करंट लॉस दिखा दिया है, तो प्रोविजन फॉर लॉस कितना जाएगा? 3,50,000। एकदम क्लियर है भैया? मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे को कितने का लॉस होने वाला है। सत्रह लाख पचास हजार का लॉस होने वाला है। ऑलरेडी 14,00,000 का लॉस आया हुआ है, ये तो जाएगा ही पीएल में। अच्छा, इसका पिछला वाला सब में देखो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट वॉज 75,00,000 माइनस 70,00,000, 5,00,000। तो पहला बात तो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट आया था और ओवरऑल भी प्रॉफिट आ रहा है, तो ये चीज अप्लाई नहीं करेगा। जब लॉस आएगा तब चेक कर लेना। जब लॉस आएगा तभी चेकिंग होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर प्रॉफिट आया है यहां पे, करंट में भी प्रॉफिट है, फ्यूचर में भी प्रॉफिट था, तो इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है लोग। करंट में लॉस और फ्यूचर में, भला अभी लॉस हुआ है लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट, तो खाली जो करंट लॉस है वो पीएल में जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, 17.50 लाख इज मोर देन 14 लाख, तो ये तो पीएल में जाएगा ही, तो
तो प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस अलोंग विथ करंट ईयर, राइट। तो जब अपन पीएल बनाएगा, पीएल में टू लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट क्या, टू लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट साढ़े 17 लाख दिखाएगा, जिसमें 14 लाख का तो लॉस हुआ, बाकी प्रोविजन दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इज दैट फाइन। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए। उदय कंस्ट्रक्शन अंडरटेक टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड और अगले साल कंप्लीट होगा। 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था विद एन एस्केलेशन क्लॉज। नाउ व्हाट इज दिस एस्केलेशन क्लॉज? अगर मेरा रॉ मटेरियल और लेबर का कॉस्ट, हमने एक अनुमान बनाया है, उस अनुमान में मैंने पकड़ा कि भैया सीमेंट 400 रुपए बसता, 1500 रुपए पर 1000 ब्रिक्स, ऐसे मैंने एस्टिमेट बनाया। अगर मेरा ना, जब हम एक्चुअल में जब हम खरीदने जाएंगे, हो सकता है मार्केट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होता है, तो कहने का मतलब है फ्लक्चुएशन अप टू 5% कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ विल बियर। इन द इवेंट प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर इंक्रीज बियॉन्ड 5%, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टू बी इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। ये होता है एस्केलेशन क्लॉज। तो लिखो, सिंपल एक नोट दिखा रहा हूं। इन द इवेंट ऑफ प्राइसेस
प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड लेबर इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड इंक्रीज. दिस इज एस्केलेशन क्लॉज. ठीक है भैया, दाम बढ़ गया, हम नहीं बियर करेगा इतना खर्चा, पॉसिबल नहीं हमारे लिए. आइए, तो 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, एस्केलेशन क्लॉज है. ठीक है, शुरू में मैंने अनुमान लगाया कि 9.5 करोड़ मेरा साढ़े नौ करोड़. अभी क्या लिखता है, कॉस्ट इनकर्ड है 4 करोड़ और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट है 6 करोड़. लिखता है एस्केलेशन हुआ है कॉस्ट में बाय 5%, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अपन को काम क्या करना है, स्टेटमेंट showing calculation of, यही पूछा है ना, प्रॉफिट पब्लिक लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट. पहले हम लिख देता है रुपीज इन करोड़, झमेला नहीं मांगता अपन को. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अभी 12 करोड़ है, आगे देखते हैं क्या होगा. लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, क्वेश्चन में दे दिया 4 करोड़, तो सीधा आएगा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट. लेकिन उसके लिए अपन को करना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, कॉस्ट इंकर्ड, समझ गया ना. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 4 करोड़ है और टोटल कॉस्ट होगा 4 प्लस 6, ये वाला है टिल डेट प्लस ये वाला है फर्दर कॉस्ट. तो अपने को क्या करना है, सीधा 40% लेने का, बट ऐसे नहीं ले सकते अपन, नो, क्योंकि लिखा है यहां पे खर्चा 5% बढ़ा है, एस्केलेशन हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी 5% बढ़ाने का पड़ेगा. अब करो तो 12 × 105, तो रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 12.6 करोड़ इंटू 40%. देख लो भैया, मेन यही है,
एस्केलेशन क्लॉज का मतलब ही यही होता है कि अगर दाम बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ा है क्वेश्चन में लिख दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाना ही है। इज दैट फाइन एवरीवन? ओके, थैंक यू। तो आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, हम लोग फिर नेक्स्ट डे वी विल बी बैक विथ मोर सम्स। स्टे सेफ, स्टे एडुकेटेड, डू नॉट गो आउट, इट्स लॉकडाउन। थैंक यू।